आप प्राइज जीतने के लिए तैयार है? प्राइज यस। ओके, सो शी इज रेडी टू विन द प्राइज। तो चलिए मैं आपसे एक सवाल करूंगी, आप उसका अगर सही जवाब देते हैं तो GDA ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से मिलेगा आपको एक गिफ्ट। तो ये अच्छा, ओके, मतलब कहीं ना कहीं आपको शिक्षा भी वहीं से मिली है और साथ ही साथ गिफ्ट भी आपको वहीं से मिलेगा। पर उसके लिए आपका सवाल ये है कि आपको ए से कोई भी एक अच्छा सा गाना बताना है। ए से अच्छा सा गाना? ओके, टाइमलेस है ना, इसमें टाइम तो नहीं। 30 सेकंड्स का टाइम रहेगा, जैसे ही वहाँ से मेरे पास आ जाएगा एक साइन की नहीं अब रोक दीजिए, तो फिर आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो क्या आप तैयार है? शुरू किया जाए। चलिए, ओ नहीं, एक सेकंड, ए से गाना अजनबी, मेरे अजनबी। क्या इस गाने की शुरुआत यहीं से होती है? नो, आई थिंक यहाँ से नहीं होती है। एक्चुअली आप डायरेक्ट सवाल पूछेंगे तो जो याद होता वो भी भूल ही जाते हैं। यही तो एक सबसे बड़ी ट्रिक है। ये तो है ही है। ए से कोई गाना, ए से कोई गाना, आप किसी से मदद नहीं ले सकते हैं? ए से कोई गाना नहीं, 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 नहीं। समय सीमा समाप्त। आई एम सो सॉरी। आप अगर कोई गेस करना चाहें, ए से कोई गाना, आप गेस करना चाहेंगे ए से कोई गाना? ए से एकदम याद नहीं, यही तो ट्रिक है। ए ए ए ए इंतजार सुन सदाए दे रही है मंजिल प्यार की। कुछ भी कहिए, मम्मी तो सुपर वुमन ही होती है, तो जी हाँ, मम्मी को मिलता है प्राइज। हम पूरा दिन गाने सुन ले, लेकिन मम्मी और पापा को जो गाने याद होते हैं वो किसी को नहीं होते। आपको मिलता है GDA ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। किरण, कहाँ से हैं आप? ब्यावर से। तो चलिए, आपको गिफ्ट जीतना है। क्विज बहुत ही सिंपल है, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, बट अगर आप 30 सेकंड में जवाब दे पाए तो ये गिफ्ट आपका होगा, वरना फिर समस्या हो सकती है। तो क्या आप तैयार हैं? ओके, बहुत सिंपल सा सवाल है, कोई भी ऐसा गाना गाना है आपको जिसमें दिल शब्द का इस्तेमाल होता हो। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। अरे वाह, मतलब आप श्रृंगार ले रहे हैं और सजना की बात है, तो जी हाँ, आपको मिलता है GDA ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर। आपको मिलता है GDA ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। जरा सामने देखिए, क्योंकि आप कैमरे की नजर में हैं। अब हम आ चुके हैं महिलाओं के श्रृंगार की ओर। जी हाँ, चूड़ियों के बिना श्रृंगार अधूरा है, तो क्यों ना महिलाओं से श्रृंगार से जुड़े ही सवाल किए जाए। तो चलिए, आपका नाम? फरीदा। कहाँ से हैं आप? ब्यावर से। चलिए ठीक है, मैं आपसे एक सवाल करूंगी, आपको 30 सेकंड के अंदर उस सवाल का जवाब देना है। अगर आपका जवाब सही होता है तो आपको GDA ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से मिलेगा प्राइस। ठीक है, आर यू रेडी? थोड़ा सा भी डाउट है तो सोच लीजिए। आपको महिलाओं के 16 श्रृंगार माने जाते हैं, आपको महिलाओं के 3 श्रृंगार की वस्तुओं के नाम बताने हैं। पहनने वाली? हाँ जी बिल्कुल। चूड़ी, मंगलसूत्र, पायल। अरे वाह, बहुत खूब बहुत खूब, ऐसे लग रहा है कि आप तो एकदम याद करके आए हैं। तो जी हाँ, आपको मिलता है GDA ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से प्राइज। आपको मिलता है GDA ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से ये प्राइज हैम्पर। थैंक यू, कंग्रेचुलेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से प्रश्नों का सिलसिला। और आपका नाम? डिम्पल सैनी। कहाँ से हैं आप? ब्यावर से ही हम। अच्छा, ओके, मैं आपसे एक सवाल करूंगी, अगर आप 30 सेकंड के अंदर उसका जवाब दे देते हैं तो GDA ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से मिलेगा आपको एक गिफ्ट हैम्पर। अगर आप नहीं दे पाते हैं तो आई कांट डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो क्या आप तैयार हैं? जी। ठीक है, आपका सवाल है, ऐसा कोई ऐसा सॉन्ग गाइए जिसमें मन शब्द का इस्तेमाल होता हो। मन, मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, मेरा मन ना जाने जुड़ गया कैसे।
अरे वाह, मतलब इसी इन्हीं प्रश्नों के द्वारा कई सारा टैलेंट भी बाहर आ रहा है। सो आपको मिलता है GDA ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, लीजिए। आपको मिलता है GDA ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, कांग्रेचुलेशंस। आपने जैसे बताया कि आपको 55 साल हो चुके हैं यहाँ पर आते हुए, तो मेरा ये पूछना है कि पुराने समय की अगर बात की जाए और अभी की बात की जाए, तो आपको तेजा मेले में क्या परिवर्तन नजर आ रहे हैं? अभी ये परिवर्तन नजर आ रहा है कि मेले के झूले बाहर निकल गए। अगर बगीचे के अंदर ही होते तो जो बगीचे के अंदर से दुकानदारों को बहुत फायदा मिलता। और जैसे पहले की बात की जाए, जैसे एक समय था जब शायद मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तो उस समय के अगर मेले को मैं इमेजिन करना चाहूँ, तो क्या क्या आप मुझे बताएंगे कि उस समय क्या अलग होता था जो आज की युवा पीढ़ी मिस कर रही है और युवा पीढ़ी नहीं देख पा रही है? नहीं, देख तो सब पा रही है, और यही है कि ये जो चार दीवारी होगी ना मेला की, ये पार्कों की, इनमें झूला नहीं लग पाते, इसलिए झूला नहीं लग पाते तो वो पब्लिक यहाँ आ नहीं पाती, और सड़क के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, भीड़ ज़्यादा हो जाती है। ओके, तो अब अगर हमने लोगों से बात की और अंकल ने मुझे गरम गरम कचौरी दी है, तो मेरा सवाल पूछना तो बनता है। अंकल, आप पुराने गाने सुनते हैं? बिल्कुल सुनते हैं। चलिए ठीक है, आपकी पसंद का कोई एक पुराना गाना सुना दीजिए और आपको मिलेगा GDA ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर। क्या आप तैयार हैं? अब गाना तो देखो, कोई याद आ जावे तो सुना देते हैं। तो चलिए आप सोच लीजिए, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। अब क्या गाना सुना दो? आएगा आएगा कोई हमारे गांव में, कोई आएगा प्यार की डोर से बंध जाएगा, बस ये इतना ही आता है। बिल्कुल जरूर, आपकी कचौरी की खुशबू सुन के तो हर कोई इस गांव में आएगा और हर कोई यहाँ से कचौरी खा कर ही जाएगा। तो जी अंकल, आपको मिलता है GDA ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। आपको मिलता है GDA ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। कैमरा में देखिए, क्योंकि आप कैमरा की नजर में है। आपका नाम? शारदा। कहाँ से हैं आप? खरवा से। कितने समय से आप इस मेले में आ रहे हैं? 2-3 साल हो गए हैं। ठीक है, तो मैं आपसे एक सवाल करूं, अगर आप उसका सही जवाब देंगे तो आपको GDA ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से मिलेगा गिफ्ट हैम्पर। तो क्या आप तैयार हैं? ठीक जी। ठीक है, चलिए ठीक है। आपका सवाल ये है, तैयार हैं सवाल के लिए? हाँ, पूछो तो सही। आपको एक ऐसा गाना गाना है जिसमें दिल शब्द का इस्तेमाल होता हो। कौन सा गाना गाएगा? आपको 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है, केवल 30 सेकंड का। आपका समय शुरू होता है अब। गाना आता ही नहीं है मेरे को। कोई मारवाड़ी गाना गा दीजिए। नहीं आता है कोई भी। नहीं आता? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है? भरत। थोड़ा जोर से बोलो। भरत। आपको पोयम आती है मछली जल की रानी है? चलो मुझे सुनाओ जल्दी से। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे जल जाएगी, बाहर निकालोगे मर जाएगी। अरे वाह, आपने तो मेरे को पोयम सुना दी, तो आप साथ में क्या बोलेंगे? बोलिए तेजा जी महाराज की। खाते खाते नहीं, थोड़ा 2 मिनट सॉफ्टी को साइड में कर दो, और क्या बोलोगे? बोलो तेजा जी महाराज की। आपको मिलता है GDA ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। दीदी को थैंक यू नहीं बोलोगे? वेलकम। आपका नाम? उषा। कहाँ से हैं आप? हम अजमेर जिले से हैं। अजमेर जिले, ठीक है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आप उसका जवाब देंगे तो आपको मिलेगा GDA ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। तो क्या आप जवाब देने के लिए तैयार हैं? तैयार है जी। बिल्कुल, तो आपको, आप मूवीज देखते हैं? फिल्में देखना पसंद है? फिल्में देखती, लेकिन मुझे टाइम नहीं है। अच्छा, टाइम नहीं है। अच्छा, देखने का, देखना पसंद है बहुत। तो पुराने टाइम में शादी से पहले मूवीज देखी थी, फिल्में देखी थी? हाँ देखी थी ना। अच्छा चलो ठीक है, सीरियल्स देख लेते हैं आप? सीरियल्स देखते हैं। अनुपमा? अनुपमा का। चलिए ठीक है, अनुपमा के दोनों जो पति है
उनका नाम बताइए। अनुपमा के पति, अरे मैं तो भूल गई, देखो तो हूँ मैं। चलिए ठीक है, आप आइए, आपको अगर इनका जवाब पता है तो। अनुपमा के दोनों पति, पहले पति का नाम, दूसरे पति का नाम? पहले पति का नाम वनराज है, दूसरे पति का नाम अनुज है। तीसरा है नहीं। चलिए आपको मिलता है जीडीए ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज अनुपमा ने आपको जीता दिया। तो चलिए अब हम आ चुके हैं सहेलियों के एक ग्रुप के पास, क्योंकि मैंने बताया था आपको पहले भी कि मेला जो है सहेलियों के साथ के बिना अधूरा है। तो जी हाँ, अभी हम आ चुके हैं ऐसे ही फ्रेंड्स ग्रुप के पास। आपका नाम? सरिता। निकिता। विनीता। ये क्या बात है, सरिता, निकिता, विनीता, अब और आगे मुझे कुछ ऐसा नहीं सुनना। मीनाक्षी। अर्चना। ओके, मुझे नहीं तो लगा वहाँ पे फिर लता होगा, सबके नाम के पीछे ता 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 होगा। तो चलिए ठीक है, आप कहाँ से हैं? सुहावा से। सुहावा से। सुहावा से। सुहावा से। अच्छा, सब लोग वहीं से ही हो। हमारी छुटकी दोस्त चली गई आपकी? ओके ओके, चलिए ठीक है। तो मैं आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछूंगी, अगर आप उसका सही जवाब देंगे तो जीडीए ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से आपको मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर, और अगर आप गलत जवाब देंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो क्या आप तैयार हैं? अच्छा, आप में से फिल्में कौन कौन देखता है, मूवीज कौन कौन देखता है, थिएटर कौन कौन जाता है? घर पे देखते हो? मतलब सप्ताह में कितनी, 3-4-5? कभी जी करे तब देख लेते हैं। तो चलिए ठीक है, सॉन्ग सुनते हो, गाने सुनते हो? हाँ। चलो ठीक है, तो अब गानों के ही सवाल आपसे करते हैं। सबसे पहले आपसे सवाल करूंगी, क पे कोई सॉन्ग जो क से शुरू होता हो। से आपके पास 30 सेकंड का समय है, आगे आऊंगी आऊंगी आऊंगी। यस, मुझे नहीं आ रहा है। इन्होंने हार मान ली, सरिता ने हार मान ली। अब हम चलते हैं निकिता की ओर। निकिता सोच रही है, वैसे तो आते हैं, आज याद क्यों नहीं आ रहे, आज क्या गलती क्या हो गई है मुझसे, मुझे नहीं पता। अब हम चलते हैं विनीता की तरफ। कैसे कैसे की ठाई सबन चांद को सिक्का, चांद को सिक्का, मैं तेरी रानी तुम्हारे हुकुम कही का। लगता है रील्स बहुत बनाते हो आप। कैसे की थाली में चांदी का सिक्का, चांदी का सिक्का, मैं तेरी रानी तू मेरो हुकुम को सिक्का, हुकुम को हिक्का इक्का। तो चलिए यहाँ पर हमें एक प्राइज देना है विनीता को। जीडीए ग्रुप ऑफ स्कूल्स की ओर से विनीता को मिलता है ये गिफ्ट हैम्पर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मीनाक्षी कैसे हैं आप? अच्छी हूँ। शॉपिंग कर ली? हाँ। क्या क्या खरीदा है? कुछ नहीं, बस सनग्लासेस। सनग्लासेस? अच्छा, ऐसा। ज्वेलरी खरीदी है? इयररिंग्स? नहीं। क्यों, खरीदना नहीं है? मैंने तो खरीद ली है। नहीं, हम हमारे गांव के मेले में हमने खरीद ली। अच्छा, गांव के मेले में हमने खरीद ली है। तो चलिए आपसे अब थोड़ा हटके सवाल करते हैं। जैसे मुझे आपको देख के लग रहा है कि आप जो है फिल्में ज्यादा देखती है, सभी सहेलियों में सबसे ज्यादा फिल्में यही देखती है ना? ये सबसे कम। पर उत्साह के साथ तो यही जवाब दे रहे थे। चलिए ठीक है, अब आपको थोड़ा दिमाग वाला सवाल पूछते हैं। अगर आप उसका जवाब नहीं देंगे तो मैं सवाल बदल दूंगी आपके लिए। ऐसी कौन सी चीज है जो फ्रिज में रखने से भी गर्म नहीं होती है? इनको पहले 30 सेकंड का समय देते हैं, फिर आपसे पूछते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो फ्रिज में रखने से भी गर्म नहीं होती है? उसका खाने में इस्तेमाल किया जाता है स्वाद को बढ़ाने के लिए। बटर कैसे गर्म नहीं होगा? बटर तो ठंडा हो जाता है। ये कुछ अलग चीज है। बटर गर्म नहीं होता, वो तो पिघलता है या ठंडा होता है। यस, आइए हमारे पास एक दूसरे उम्मीदवार और जुड़ रहे हैं। पहले आपका नाम बताइए। कोमल। कोमल जी, आपको जवाब पता है? अभी जवाब दे दोगे? हाँ। पक्का दे दोगे? हाँ। लॉक किया जाए? हाँ। 100%? हाँ हाँ। पक्का सोच लिया है? तो चलिए ठीक है, बताइए क्या है उस चीज का नाम? गरम मसाला। अरे वाह जी, ऐसी कौन सी चीज है जो फ्रिज में रखने से गरम नहीं होती? बहुत सिंपल सा आंसर था, गरम मसाला, और खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, तो आपको मिलता है जीडीए ग्रुप ऑफ स्कूल्स की ओर से ये गिफ्ट हैम्पर।
GDA ग्रुप ऑफ स्कूल्स की ओर से मिलता है आपको ये गिफ्ट हैम्पर। कहाँ से हैं आप? यहाँ से, ब्यावर से। थोड़ा आप करीब आ जाइए ना, मुझे आपकी आवाज सुनने के लिए कान ऐसे लगाने पड़ते हैं। नहीं, थोड़ा जोर से बोलिए। चाट वगैरह तो खाई होगी ना आपने यहाँ पे? अच्छा, तो आप मेरा इंतजार कर रहे थे। जी, आपका नाम? लाली। कहाँ से हैं आप? ब्यावर से। तो आप कितने समय से इस मेले में आ रहे हैं और क्या क्या आपको इस बार चेंज नजर आया है, परिवर्तन नजर आया है? मैं तो बचपन से यहाँ से ही हूँ, बचपन ही यहाँ गुजर, जन्म यहाँ का ही है, कंपनी बाग का ही है, जन्म ही मेरा तो। अच्छा, ऐसा। तो मतलब पहले जो है, पहले के मेले को और अभी के मेले को देखकर अगर कुछ परिवर्तन बताया जाए तो क्या परिवर्तन आपको नजर आता है? परिवर्तन तो झूला वूले सब वहाँ चले गए, अब तो झूले यहाँ है ही नहीं, बहुत कम बहुत झूले है। तो क्या आपको क्या लगता है, झूले यहाँ पे होने चाहिए थे? नहीं नहीं, भीड़ भड़ाका से तो दूर रहता तो अच्छा है। अच्छा, ऐसा। आप तो ऐसा हो सकता है कि भाई हम टिफिन बना के घर से लेके आए, मेला घूम के यहीं पर ही खा के जाए। जी, आपका नाम क्या है? पूर्णिमा साहू। शॉपिंग कर ली आपने? बिल्कुल, दो दिन से लगे हुए। अच्छा, ऐसा। दिवाली की शॉपिंग, शादियों की शॉपिंग सब हो गई? बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है, मेले में शॉपिंग करनी चाहिए या बाजार में जाके शॉपिंग करनी चाहिए? और मेले में शॉपिंग अगर मैं करना चाहती हूँ तो क्यों मुझे करनी चाहिए? मेले में सब कुछ चीजें मिल जाती है, बाजार में ढूंढनी पड़ती है, दुकान है, लेकिन मेले में सब कुछ मिल जाती है। और रेट की अगर बात की जाए क्या कीमत है, क्योंकि अभी तक मैंने देखा नहीं है। रेट बिल्कुल सही है यहाँ पे, रेट वेट कोई वो नहीं है, इशू नहीं है, बिल्कुल रेट सही है। और मुझे किसी ने आज सुबह को कहा कि मैम अगर आपको बार्गेनिंग करने नहीं आता तो आप तो मेले से खरीदारी कर नहीं सकते, तो क्या ये सही बात नहीं, है? नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ सब रेट बिल्कुल बराबर है। तो बार्गेनिंग करनी पड़ती है? नहीं, हमें नहीं करनी पड़ती है। अच्छा, ऐसा। आपकी मुस्कुराहट देखकर सामने से ही कम रेट बताते होंगे। बिल्कुल। हेलो। हेलो, क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी को है, हो रही है खुशी। जी, कौन सी स्कूल में आप? बाल मंदिर। ओके, तो चलिए, आपको कोई पोयम आती है अच्छी सी? कोई भी, मछली जल की रानी तो सबको ही आती है, मेरे को भी आती है। तो चलिए, बताएंगे आप पोयम? आप सुनाएंगे? पहले इनसे सुनते हैं, फिर आपसे सुनते हैं। आइए बताइए, कोई अच्छी सी पोयम सुना दीजिए। ये हमारी इन छोटी सी गुड़िया का कहना है, एक तो मैम आप ऐसे हथियार की तरह माइक लेके आ जाते हो, फिर कहते हो कि मुझे पोएम सुनाओ, मेरा तो दिमाग ही नहीं चलता, मैं आपको बाद में सुना दूंगी। चलिए आइए, हमारे पास एक और छोटा बच्चा है, आइए आइए आइए, कम सामने हो। क्या नाम है आपका? जया। जया, जया पोएम आती है? चलो अच्छी सी सुना दो मेरे को। राउंड एंड राउंड द गार्डन लाइक अ टेडी बियर, वन स्टेप टू स्टेप टिकल यू अंडर हेयर। अरे वाह, तालियां तो बजा दो, आपकी बहन है। अरे वाह छिटकू, कुछ खाया है आपने? क्या खाया, क्या खाया है आपने? बोल, कुरकुरे खाए? कुरकुरे खा लिए? दीदी को तो दिए नहीं आपने। बोल, चलो मेले में। थोड़ा जोर से बोलो ना। बस जोर, चलो मेले में, तो मैं बाद में चलूंगी आपके साथ मेले में। मैंने सोचा कि सवाल जवाब तो बहुत हो गए, तो क्यों ना यहाँ पर सखी सहेलियों के साथ बैठ के बातचीत की जाए। तो चलिए, मैं अब यहाँ पर सबसे एज अ फ्रेंड, एज अ सहेली, एज अ सखी सबसे बातचीत करूंगी, और दो मेरी छोटी बहनें भी यहाँ पर हैं, तो उनसे अगर बातचीत ना की जाए तो मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए, शुरुआत हम हमारी दो बहनों से ही करते हैं। तो आपका नाम क्या है? यतिका साहब। यतिका, देखो मैं यहाँ पे आपको मारने वाली नहीं हूँ, आप जोर से बोल सकते हो। यतिका। अरे वाह, आपका नाम? गौरी। कौन सी क्लास में आप? सेवंथ। आप? नाइन्थ। कौन सी स्कूल में? बालकनाथ गोदावरी स्कूल। ओके, आप दोनों का जीके कितना अच्छा है, जनरल नॉलेज अच्छा है? जीके थोड़ा बहुत तो अच्छा होगा ही, जहाँ तक मैं जानती हूँ। एक सिंपल सा सवाल करूंगी, सही जवाब आपको गिफ्ट मिलेगा, पर आप दोनों बहनों के लिए एक चैलेंज है, जो सबसे पहले क्लैप करके बताएगा मेरे को जवाब देना है वो जवाब देगा, कोई भी पीछे से इनकी मदद नहीं करेगा, ठीक है? दोनों बहनों के लिए ये चैलेंज है। हमारे देश के
हमारे देश के राष्ट्रपति का क्या नाम है? आपको दो स्लैप मारने हैं, ऐसे फिर जवाब देना है। कोई जवाब नहीं देगा। योर टाइम द्रौपदी मुर्मू। अभी भी नाम गलत है। द्रौपदी मुर्मू। मुर्मू नहीं है, थोड़ा और दिमाग पे जोर लगाओ। द्रौपदी मुर्मू। मुर्मू। ओके, जोरदार तालियां। यहाँ पर जो बैठे हो तालियां तो बजा सकते हैं। चलिए ठीक है, अब आपका दूसरा सवाल। बानो, बानो बटर बानो। हमारे बानो, उधरा। देश के गृह मंत्री का क्या नाम है? होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देश के गृह मंत्री का क्या नाम है? नहीं पता। चलिए ठीक है, यहाँ पर आपके दो सवाल हो गए, दो सवाल में विनर आप हैं अभी तक। अब एक आखिरी सवाल पूछूंगी और उसके बाद क्विज यही खत्म हो जाएगी, ठीक है? कोई भी एक अच्छा सा गाना गा के सुनाना है, पूरा आगे का पैराग्राफ आना चाहिए आप दोनों में से। कौन गा के सुनाएगा? दो क्लैपिंग एंड फिर फैसला होगा। ओ देश मेरे, तेरी शान पे सज के कोई धन है क्या? तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। अरे वाह, तो हमारे इस राउंड की विनर होती है, व्हाट्स योर नेम? गौरी। गौरी, जोरदार तालियां हो जाए। और गौरी को मिलता है जीडीए ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर। ये आप सभी का है, सब लोग यहाँ पे हाथ लगा सकते हैं। जीडीए ग्रुप ऑफ स्कूल्स की तरफ से मिलता है आपको गिफ्ट हैम्पर। वेलकम।